कलयुग के मनुष्यों का कल्याण करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान किया है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आकर बैठ जाता है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। बोले महाराज, इस कथा से किसी का भला हुआ है, कल्याण हुआ है? बोले हाँ हुआ है। बोले हमें कृपा करके बताइए। बोले हम बताते हैं, ध्यान से सुनो। तो भागवत का महात्म्य बताया, दो महात्म्यों का वर्णन है, एक भक्ति नारद संवाद है और एक गौकर्ण धुंधकारी की कथा है, आत्मदेव की कथा है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, ये थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, हमारे बच्चे भी यंगस्टर्स भी बैठे हुए हैं तो ये कथा थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप लोग, कौन कौन बच्चे पहली बार कथा सुन रहे हैं भागवत कथा, जो पहले आप बच्चे अभी पहली बार सुनेंगे, चलिए आप प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग सब। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, और धुंधली जैसा उनका नाम है वैसा उनका चरित्र भी वैसा ही है, धुंधला सा ही है, मतलब वो पति जी के साथ में सेटिस्फाइड नहीं है कि पति जो कहे वही करना है, वैसा कुछ सिस्टम नहीं है, मन मर्जी चलाती है, अपना माइंड चलाते हैं, और संतान नहीं है, ये दुख है उनको। दुख क्या है सबसे बड़ा? संतान नहीं है। अब एक गाय को लेके आए थे, तो जिसके यहां वो गाय पहले थी वो वहां दूध दिया करती थी, पर जब से इनके यहां आई उसने दूध देना भी बंद कर दिया और संतान को जन्म देना भी बंद कर दिया, वो बांझ हो गई, गाय बांझ हो गई। वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष उनमें फल नहीं आते, अपसेट हो गए आत्मदेव। बोले मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण मेरे घर में कुछ हो ही नहीं रहा, संतान नहीं हो रही, और बिना पुत्र से गति लो, ध्यान से सुने, बच्चे लोगों के लिए स्पेशल, शादी सिर्फ घूमने के लिए नहीं है। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं यहां या यूट्यूब पे, शादी घूमने के लिए या हाथ में हाथ डाल के घूमने के लिए या मून पे जाने के लिए नहीं है। शादी का एक बेसिक सिद्धांत है, हमारे यहां विवाह होता है, हमारे यहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका डिवोर्स और तलाक हो सकता है, लेकिन जिनका विवाह होता है उनका किसी भी कंडीशन में तलाक नहीं हो सकता, डिवोर्स हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसका मतलब हम कोई अपने सम्मान को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? कहां गए वो नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले? किसी एक स्त्री को हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके कामना पूरी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? मैं वो कड़वे शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे, बोल नहीं रहा हूं। कौन है वो, क्या बना रहे हैं उस स्त्री को जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो, बोलिए वो है क्या? हमारे यहां विवाह करके स्त्री को देवी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देवी। हमारे यहां कहते हैं धर्म पत्नी, लक्ष्मी। जब विवाह करके आती है कन्या तो क्या कहते हैं, हमारे घर की गृह लक्ष्मी आई है। ये रिस्पेक्ट है सनातन की। बताइए कौन अपने घर से लक्ष्मी निकालना चाहेगा, बोलना। जो कह रहे हैं हम डिवोर्स ले रहे हैं, हम तलाक ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप लक्ष्मी को घर से बाहर कर रहे हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा संस्कार नहीं। विवाह होता है दो चीजों के लिए। पहला, संसार हमारा वंश आगे बढ़े, इसके लिए विवाह है, हमारा वंश आगे बढ़े। और जब वंश आगे बढ़ जाए तो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान का भजन करें, दूसरा उपदेश यह है, तीसरा कोई नहीं। नो हनी नो मून। हमने किसी भैंस और भैंसे को हनीमून पे जाते हुए नहीं देखा, हमने हाथी और अतनी को नहीं देखा, घोड़ा और घोड़ी को नहीं देखा, चिड़िया और चिड़े को नहीं देखा। कहां गए वो घूमने? जिस शौक के लिए तुम घूमने जा रहे हो वो सबके लिए नॉर्मल है, कॉमन है सबके लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए। दे नोज एवरीथिंग अबाउट दैट, दे डूइंग एवरीथिंग।
हम इसलिए श्रेष्ठ हैं, हम इसलिए मानव हैं क्योंकि हमें पता है हाउ टू यूज इट, उसे यूज कैसे करना है, उसका प्रयोग क्या है। हम उसी के लिए नहीं आए, हम उसे धर्म युक्त प्रयोग करना चाहते हैं। और प्रयोग क्या है, सुयोग्य संतान का होना कि तुम्हारे मरे पीछे भी तुम्हारे घर के मंदिर में ठाकुर जी के आगे दीपक जलता रहे, तुम्हारा सनातन तुम्हारे घर में तब भी जिंदा रहे जब तुम न रहो, पितृपक्ष में तुम्हारे तुम्हारे फोटो पे गए पीछे तुम्हारे फोटो पे जब माला चढ़ाएं तो उनकी आंखें नम हो कि पिताजी आज आप होते तो देखते कि आपका बेटा माथे पे तिलक लगा के तुलसी पहन के आज आपको याद कर रहा है, मां आज मैं आई मिस यू। जिसके बच्चे इतने संस्कारी होते इसके लिए विवाह होता है, इसके लिए नहीं होता है कि आप वो निक्कर पहन के और बनियान पहन के यहाँ टुंडी सी रख के ये बाल गजनी टाइप कटवा कटबू के और घूम रहा है गाड़ी में लड़कियां घुमा रहा है, क्या सूप कौन पैदा किया है रावण की, और रावण भी अच्छा था इससे तो ये इसके लिए विवाह हुआ हमारा, आई एम सॉरी टू से। ऐसे तो फिर कुत्ते बिल्ली भी संतान पैदा कर लेते हैं, जो सुयोग्य संतान उत्पन्न करके जाए वो सनातनी, वो है मां बाप का नाम बढ़ाने वाला, वो है वंश बढ़ाने वाला, जिन्हें जाए पीछे भी लोग भूल ना सके। आप जाएंगे भूल नहीं पाएंगे लोग, वाह दशरथ जी को भूल पाए क्या, जवाब दो, भूले दशरथ जी को, श्रवण कुमार को भूल पाए क्या, हरिश्चंद को, हरिचंद को जानते हो कि नहीं, राजा बलि को, प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को, और तुम्हें कौन जानता है, क्यों नहीं जानते भाई तुम्हें, वो लोग तो भारत में रह गए, तुम तो कितने बड़े आदमी हो, तुम तो कनाडा आ गए, तुम्हें तो ज्यादा जानना चाहिए। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी, पहली बात समझ गए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हमारे यहां, विवाह है, और विवाह किसके लिए है, पहला संतान श्रेष्ठ हो, संस्कारी हो, जो हमारे कार्यों को पितृण से उऋण कर सके, दूसरा पति पत्नी मिलकर दोनों भजन करें और अपना कल्याण करें, इसके लिए ही मनुष्य जीवन है और विवाह है। तो धुंधली के कोई पुत्र नहीं था, और वो चाहती भी नहीं थी, संतान चाहती भी नहीं थी वो, और कई लोग होते ना मेरा फिगर बिगड़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, सब पेट वेट नहीं, वो कहते नहीं ये सब नहीं चाहिए मुझे, आत्मदेव चाहते थे एक पुत्र तो हो जिससे वंश आगे बढ़े, जैसे हमारी पितृण से ऋण हो। तो आत्मदेव बड़े दुखी थे, एक दिन इतने अपसेट हो गए, आत्मदेव ने सोचा कि सुसाइड कर लेता हूं, आत्मदाह कर लेता हूं। तो सरोवर में कूदने के लिए जा रहे थे, सरोवर में तो जब कूदने जा रहे थे तो एक सन्यासी महात्मा उनको दृष्टिगोचर हुए। तो सन्यासी महात्मा ने पूछा, कथम रोदिशम विप्र तुम कात चिंता बलेसी, व्हाई डू यू अपसेट, परेशान क्यों हो, कौन सी चिंता ने तुम्हारे हृदय में घर बना लिया है, काहे को परेशान हो रहे हो बताओ। तो उसने संत महात्मा जी को आत्मदेव ने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया और कहने लगे, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, फिर से सावधान हो के सुने, जब भी दुखी हो किसी साधु संत को ही अपना दुख सुनाए, संसारिक लोगों को नहीं, कबीराया संसार में दुख नहीं कहिए रोए, दुख नहीं बांटे आपनो जगत हसाई, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, अपना दुख रोना हो तो किसी संत महात्मा को, गुरुजनों को, या फिर गोविंद को, ये बैठे इनको सुना दो, ये नहीं सुनते, अरे यही सबसे ज्यादा सुनते हैं, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सुनाना नहीं आता, बस उसे तो सुनना है, वो तो सुन ही रहा है, वो तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना वो उसे भी सुन रहा है, पर तुम्हें सुनाना नहीं आता इसलिए तुम रह जाते हो पीछे। पूछा क्यों दुखी हो, तो उन्होंने कहा, महाराज मैं इसलिए दुखी हूं मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, एक संतान तो होनी चाहिए, बिना पुत्र से गति लोके, गृहस्थ में जाओ और संतान ना हो तब तक गति नहीं होती, महाराज हम मर जाएंगे तो पिंड हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, फिर हमें पिंड दान कौन करेगा, हमारे पितरों से ऋण कौन करेगा, एक पुत्र तो चाहिए। महात्मा जी बोले, एक बात बताओ तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा, महाराज वंश चलाएगा, दूसरा मेरा बेटा होगा तो
बुढ़ापे में जब हम थोड़ा वीक होएंगे, कमजोर होएंगे, तो वो हमारा सहारा बनेगा, सेवा करेगा, नाम करेगा। नाम नूम तो खैर ठीक है, पर सेवा करेगा, सहारा बनेगा बुढ़ापे में। अब इन्हीं तीन चार चीजों के लिए हम पुत्र चाहते हैं। बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मेरा सहारा बनेगा और मेरा वंश चलाएगा। हाँ या ना? यही बात है ना। अब सुनो, सेवा तो तब करेगा जब तुम बीमार पड़ोगे, तो तुम अपने आप को बीमार करना चाहते हो। तुम भगवान से ये मांग रहे हो कि मुझे ऐसा बेटा देना जो मेरी सेवा करे। तुम क्यों भगवान से ये मांग रहे हो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे? तुम भगवान से क्यों नहीं मांग रहे हो कि मुझे ऐसा जीवन देना कि मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता ही न पड़े? बताइए कौन सी सोच अच्छी है, मेरा बेटा मेरी सेवा करे या मुझे सेवा की जरूरत ही न पड़े? ये सारी चीजें हमें यहां के सीखनी चाहिए, कनाडा में, अमेरिका में, यूएस में। यहां बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। यहां पे 90-90 साल के लोग अपना काम स्वयं करते हैं। दूसरी बात, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। सहारा किस किस को लगता है कि बेटा सहारा बनता है? हाँ? बोलो। आईटी में कौन कौन है? आईटी वाले हाथ उठाई। इकलौता बेटा, मम्मी पापा ने बेंगलोर भेजा, बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से। काय को बोले मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा इंजीनियर। इकलौता ही था पप्पू, इकलौता पप्पू, एक ही काफी है, औरों की जरूरत भी नहीं है। मम्मी पापा ने पूरे पैसा लगा दिया, खर्चा कर दिया, जाओ वहां जा रहे हैं। अब पढ़ गए, इंजीनियर बन गए, डिग्री मिल गई और डिग्री के संग संग एक जॉब मिल गई कनाडा से, अच्छी कंपनी में। कहां से? कहां से? टोरंटो से। पैकेज पहुंच गया, पैकेज 1 करोड़ का। इकलौते बेटे को 1 करोड़ का पैकेज पहुंच गया। अब बताओ पापा को पिक करेगा कि पैकेज को पिक करेगा बेटा? नहीं, मजाक नहीं बोलिए। और पापा ने तो इसलिए पैदा किया था कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। क्या बनेगा? जोर से बोलो। और वो सहारा कहां है? सहारा कहां? नहीं, डोंट लाफ, थिंक अबाउट इट। वो सहारा जो है टोरंटो में किसी के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा है, और वहां पापा बेसारे होके बैठे हुए हैं और फोन करते हैं, बेटा तू ठीक है? ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है। सहारा संसार दे ही नहीं सकता। अगर सहारा चाहिए तो भी कह दो कि मुझे ऐसा जीवन मत देना जिसे मुझे सहारे की जरूरत पड़े। आप कृपा करो, अगर मुझे सहारे की जरूरत हो तो सिर्फ आप ही मेरा सहारा रहना, मुझे और किसी के सहारे की जरूरत नहीं। संत को लगा कि ये मानेंगे नहीं, तो संत ने एक फल लिया कि ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और इस फल को खाने के बाद तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। लेकिन कुछ नियम पालन करे। बोले क्या? बोले सत्य बोले, एक समय अन्न खाए, पृथ्वी पर शयन करे, सत्यम शौचम दयादानम एकम भक्तुत भोजनम वर्षावधि स्त्रिय कार्यम तेन पुत्र इति निर्मलः। ब्रह्मचर्य का पालन करे। गर्भधारण के बाद में 9 महीने की तपस्या है स्त्री के लिए, और स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी। जो कपल 9 महीने गर्भधारण के बाद में व्रत करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, उसे साधन साधना समझते हैं, उनके घर में निर्मल बुद्धि वाला पुत्र होता है। हमारे यहां उसके बावजूद भी पता नहीं क्या क्या ढोंग डपाड़े लगा दिए आजकल, ऐसे जैसे हमारे बच्चे अलग टाइप के ही पैदा हो रहे हैं। फिल्में देखना, सीरियल देखना, ये सुनना उल्टा सीधा, तो क्या होता है? वो फिल्मी स्टार ही पैदा होंगे फिर।
गर्भवती स्त्री को भगवान की कथा नित्य सुननी चाहिए। जो पिता बनने वाले हों उन्हें घर का माहौल भक्तिमय रखना चाहिए, सत्यमय रखना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। गर्भवती स्त्री को यह नहीं समझना चाहिए कि नहीं सुन रहा है, सुन रहा है वो भी, जो शब्द तुम बोल रहे हो वो भी सुन रहा है वो। ब्रह्मचर्य का पालन करें, कोई वासना युक्त बातें ना करें उस स्थिति में, क्रोध ना करें, ज्यादा ज्यादा अच्छा व्यवहार करें, जैसे वो बच्चा वहीं से, अरे भाई इस बात को बिलीव नहीं करते हो तो तुम सीख लो ना, क्या नाम है, अभिमन्यु ने कहां सीखा था चक्रव्यूह तोड़ना, जोर से बोलो। और आजकल तो हमने सुना यूएस में आई थिंक सो के गर्भ में ही पहली क्लास पढ़ाने की तैयारी की जा रही है बच्चों को, नहीं मैंने न्यूज पे सुना था, आई डोंट नो कि यहां ऐसी बात है भी कि नहीं है, नहीं है, है। खैर तुम्हें भी कहां पता, तुम लोग भी तो निकल गए उस टाइम से, ज्यादा तुम लोग ध्यान देते भी नहीं इन बातों पे। खैर अगर सुना है कि ऐसे कहीं चर्चा चल रही है कि भाई बच्चे को गर्भ से ही कुछ सिखाया जाए, सीखना तो शुरू कर देता है 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद, जब उसका पूरा बॉडी और माइंड डेवलप हो जाता है उसके बाद वो लर्न करता है, सुनता भी है। तो ये ध्यान माँ को और बच्चे को रखना चाहिए, पिता को रखना चाहिए कि घर का माहौल अच्छा हो जिससे वो बच्चा वहां से लर्न करे, वहीं से सीख के अच्छा बने। तो संत ने फल दे दिया कि ये करना, लेके आ रहे वो फल अपनी पत्नी को खिला दिया, पत्नी डर गई कहीं ऐसा ना हो मैं फल खाऊं मेरा शरीर भारी हो जाए, चोर आएंगे गांव में आग लगा देंगे, सब भाग जाएंगे, मैं ही रह जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। कई लोग होते हैं जीवन भर नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जो लोग ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं उनके जीवन में नेगेटिव ही होता है, और जो पॉजिटिव सोचते हैं उनके जीवन में पॉजिटिव होता है। तो ऑलवेज बी डोंट बी। तो मेरे प्यारे, उस धुंधली ने वो फल खाया नहीं, वो गाय को खिला दिया, उसकी बहन के जो संतान थी गर्भ में वो उसने ले ली, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। क्या नाम रखा? और जो गाय के संतान हुई थी वो फल खाने से, वो पूरा मानव था पूरा, क्योंकि संत ने तो मानव के लिए फल दिया था, लेकिन क्योंकि गाय के गर्भ में रहा तो उसका कान जो था वो गऊ जैसे थे, इसलिए उनका नाम हुआ गौकर्ण। गऊ जैसे कर्ण, इसलिए गौकर्ण उनका नाम हुआ। तो अब इन दोनों का भेद समझो, अंतर कितना है दोनों में। एक संत की कृपा का फल है तो वो गौकर्ण, पंडितो ज्ञानी ही, वो पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, भक्त है, वेद पाठी है, और धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महाखल है वो, दुष्ट है वो, अपने माता पिता की बात नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, शास्त्रों को नहीं मानता, वो अपनी मनमर्जी चलाता है। एक दिन वो बालक बच्चों के साथ खेल रहा था धुंधकारी, और खेलते खेलते गया और एक बच्चे, उससे कोई बात विवाद हो गया और उसके बच्चे का उसने कंठ दबाया और कुएं में फेंक दिया। अब वो घर में आके शिकायत करने लगे, वो रोने लगे, तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो आत्मदेव रोने लगे और आत्मदेव कह रहे थे, मैं पहले भी दुखी था जब मेरे कोई पुत्र नहीं था, मैं अभी भी दुखी हूं, इससे तो मैं पहले ही अच्छा था कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं था, ऐसा दुष्ट मेरे घर में कैसे आ गया। तब गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को रोते हुए देखा और पिताजी से कहा, पिताजी क्यों रोते हो? बोले तेरे भाई के चक्कर में रो रहा हूं। बोले बिल्कुल नहीं, आप भाई के चक्कर में नहीं, आप खुद के मोह के चक्कर में रो रहे हो। मेरा भाई नहीं रुला रहा है आपको, आप खुद का मोह रुला रहा है आपको। हमें संसार में कोई दुख नहीं दे सकता सिवाय हमारे मोह के, हमारा मोह ही हमारे दुख का कारण है एकमात्र। इस मोह के कारण हम दुखी हैं, हम अपसेट हैं, इसी के कारण हम दुखी हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देहिस्त मास रुधरे, हमारा ये जो शरीर है, जिस शरीर को संभालने में अब तक आप लोगों ने हजारों डॉलर खर्च किए होंगे। शैंपू कितने का आता है, कितने डॉलर का आता है? एक शैंपू की वो डब्बा कितने का आता बोलो? है कितने का?
5 to 7 और वो क्रीम का डब्बा, जल्दी जल्दी बताओ, मैं मजाक नहीं कर रहा है। क्रीम महंगी है? अच्छा, बड़ी रेट बढ़ा। चलो अच्छा, क्रीम हो गया और वो शैंपू हो गया, साबुन कितने का आता है? एक $2, बड़े महंगे। तीन का। अब कुल मिला के महीने में कितना खर्चा कर लेते हो, कितने साबुन शैंपू खर्च होते हैं? मतलब कुल मिला के $20 का खर्चा तो महीने का होता होगा पक्का। किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं हम? शरीर के ऊपर, ठीक है, ऊपर ऊपर खर्च कर रहे हैं। भीतर कुछ पानी पूनी डाल के साफ करते हो? अब सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम बाहर जितना खर्चा करते हैं करना ही पड़ेगा, शरीर शुद्ध भी रखना है, साफ रखना, लेकिन इस शरीर के अंदर झांक के देखो है क्या। कहीं हड्डी पड़ी मिल जाए तो कैसे नाक मुंह सकोड़ लेते हो आप, कहीं मांस का लोथड़ा मिल जाए तो ओ माय गॉड है। और इन माताओं को कहीं रक्त दिख जाए तो यहां कई तो ऐसी बैठी, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगी, मूर्छित हो जाएंगी सिर्फ रक्त को देख के। हाँ या ना, तुम्हारे अंदर क्या है? वही हड्डियां हैं, वही मांस है, वही रक्त है, मलमूत्र भी है। इसके अलावा है क्या तुम्हारे शरीर में? जिस शरीर को रात दिन सजाने में $1,000 खर्च करते हो, वो शरीर सिर्फ मलमूत्र का एक भांड है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो भगवान की कलाकारी है कि उसने ऊपर से पेंट अच्छा कर दिया है। अगर ये पेंट अच्छा नहीं किया होता, उसने कसम से कोई तुम्हें देखता तक नहीं। अरे कोई क्यों, तुम नहीं देखते अपने आप को, ये उसकी कारीगरी है और उस कारीगरी पर तुम फिदा हो बस। लेकिन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सोल, नॉट योर बॉडी। महत्वपूर्ण आपका आत्मा है, शरीर नहीं। और उस आत्मा की चिंता आपको नहीं है, शरीर की चिंता है। आप बताइए, आपने कहा $20 हम पर मंथ अपने बॉडी पे खर्च करते हैं, आत्मा पे कितना खर्चा करते हो? 2 मिनट नहीं करते हो आप, और आप आत्मा के बिना कुछ भी नहीं हो। शरीर आपका महत्वपूर्ण नहीं, आपकी आत्मा महत्वपूर्ण है। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी शरीर के लिए रो रहे हो आप, आत्मा के लिए रो। धर्म भजस्व सततम तजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णा। निष्काम भक्ति करो, निष्काम धर्म की सेवा करो, भगवान का भजन करो, कानों से श्रवण करो कथा, नेत्रों से दर्शन करो ठाकुर का, और हाथों से सेवा करो धर्म की, साधुओं की। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, साधुओं की सेवा करो, निष्काम भाव से भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज की बात सुनकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। धुंधकारी और बिगड़ गया, बुरी स्त्रियों को घर में ले आया, वैश्य इत्यादि के साथ में रहता है, अपना वैश्याओं पे खर्चा करता है, मदिरापान करता है, मांस भक्षण करता है, माताजी से जुआ भी खेलता है, माताजी से पैसा मांगा, माता ने मना कर दिया तो धुंधली को पीटा। तब धुंधली को होश आया कि मैंने अपने पिता, अपने पति की बात नहीं मानी, इसका दुष्परिणाम है कि मेरा पुत्र ही मुझे पीट रहा है, ऐसे अपमानित जीवन जीने से कोई लाभ नहीं है। तो धुंधली ने रात्रि में कुएं में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए, और धुंधकारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। गोकर्ण जी चले गए, बोले जाओ पिताजी नहीं माताजी नहीं तो इनसे अब हमारा क्या संबंध, चलो अब हम भजन करते हैं। वो यात्रा करने चले गए और उसने फिर 4-5 बुरी स्त्रियों को घर में ले आया। अच्छा, धुंधकारी बुरा है कि अच्छा है बताओ? शर्मा जी बताओ, धुंधकारी अच्छा है कि बुरा है? आप मतलब इनको नहीं बताओ, तुम बताओ जोर से, धुंधकारी अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोलो, धुंधकारी बुरा क्यों है बताओ? धुंधकारी बुरा इसलिए है क्योंकि वो जुआ खेलता है, राइट? धुंधकारी बुरा इसलिए है कि वो शराब पीता है, राइट? धुंधकारी बुरा इसलिए है वो मांस भक्षण करता है, राइट? हाँ या ना तो बोलो, जोर से बोलो। और धुंधकारी बुरा इसलिए है क्योंकि वो वैश्यागमन करता है। बोलो अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोलो।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। वो मदिरा पान करता है, वेश्यागमन करता है, जुआ खेलता है और उल्टे सीधे काम करता है, तो धुंधकारी बुरा है, राइट? बुरा है, बुरा है। और यही काम जब हमारे घरों के मेंबर करते हैं तो वो अच्छे कैसे हैं? बुरे कहां है? ये तो आजकल स्टेटस सिंबल बन गया, मद्यपान करना, पार्टीज करना और लड़कियों को नचाना पार्टीज में, ये तो स्टेटस सिंबल है। जब धुंधकारी बुरा है तो हम अच्छे कैसे हैं? और अगर हम अच्छे हैं तो धुंधकारी बुरा क्यों है? फिर तो धुंधकारी तुमसे अच्छा स्मार्ट बॉय था भैया, तुम अब कर रहे हो वो तो पहले करता था, तो तुमसे ज्यादा रिच तो वो था, तुमसे ज्यादा तो मॉडर्न वो था। ये तो बात कई साल पुरानी, हजारों साल पुरानी बता रहे हैं, तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो वो हो गया। अब नाउ यू डिसाइड कि धुंधकारी बुरा है कि अच्छा है, पहले बताओ, बोलो। अब कांप रही है आवाज, अब कांप रही, अब देखो हृदय कांप रहा है, क्यों? एकाध धुंधकारी हमारे घर में बैठा ही है, या तो कसीनो में मिलेगा वो धुंधकारी, या वो डिस्को में मिलेगा धुंधकारी, या फिर वो धुंधकारी रेस्टोरेंट में 5 किलो ऑर्डर करता हुआ मिलेगा, हां या ना? अब बोलो तुम अच्छे हो कि बुरे हो? हम भी अच्छे बने, हमारे बच्चे भी अच्छे बने, यही सिखाती है भागवत। धुंधकारी कल भी बुरा था, धुंधकारी आज भी बुरा है। गोकर्ण कल भी अच्छा था, गोकर्ण आज भी अच्छा है। अपने बच्चों को गोकर्ण बनाओ, धुंधकारी तो बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाता है। गोकर्ण बनाना पड़ता है, गोकर्ण पे ध्यान देना पड़ता है। प्लीज टेक केयर योर चिल्ड्रन, प्लीज। राधे राधे बोलना पड़ेगा, इतना धीरे बोलोगे ना आज अम्मा जी सटक ली हो जाएगा, धीरे नहीं बोलने का है। तो धुंधकारी भी उन बुरी स्त्रियों ने मार दिया, वो मर गया। कौन मर गया? कौन मर गया? किसी के अंदर अगर धुंधकारी का एक भी गुण हो उसको आज मार दो, चाहे पीने का हो, मांस खाने का हो, कसीनो खेलने का हो, कुछ भी हो, एक अवगुण हो उसे आज मार दो। जैसे धुंधकारी ये मर गया वैसे हम भी मार दो, प्लीज। और धुंधकारी मर गया, मरने के बाद में वो प्रेत बना। गोकर्ण जी को पता चला, वो गोकर्ण जी से कहने लगा, प्लीज हेल्प मी, मैं चाहता हूं आप मेरी हेल्प करें। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा कि मेरा भाई मर के प्रेत बन गया है, मैं अपने भाई के कल्याण के लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत कथा उनको सुना दो, तुम्हारे भाई का कल्याण हो जाएगा। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाई। तो जब भागवत प्रारंभ हो रही थी तो धुंधकारी जो प्रेत है, प्रेत का तो कोई शरीर होता नहीं है ना, तो वो एक बांस था वहां, बांस, बांस समझ गए कि केंदे नुन्नू सोटी, हाँ बेम्बो, बेम्बो बम्बो, बांस तो सब समझते हैं ना। तो देखो उसका शरीर नहीं था तो वो आपकी तरह बैठ नहीं सकता था, आके वो उस बांस में आके बैठा। छोटी सूक्ष्म जगह है तो हवा रुक गई ना, स्थिर हो गई, जैसे बैलून में हवा भर जाती है तो बैलून में रुक जाती है, बैलून फट जाता है तो हवा आउट हो जाती है, तो वो बंबू में आके बैठ गया। 7 गांठ थी उस बंबू में। पहले दिन की कथा के बाद वो गांठें फटना प्रारंभ हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब 7वें दिन कथा पूरी हुई तो उस बांस के 2 पल्ले हुए और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, और दिव्य पुरुष को लेने के लिए आकाश से विमान आया। सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहीं तो कोई भगवान का दूत है, कोई ऐसे खड़े हो गए ना वो ऐसे, और तो आकाश से विमान आया तो सब समझ भी नहीं आ रहा कौन है। तो आकाश से आने वाले देवदूतों ने कहा, हे धुंधकारी आप इस विमान में बैठो, ये विमान आपके लिए आया है। सब लोग सोचने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, माय डियर देवतागण, जरा गिव मी द आंसर, आई हैव 1 क्वेश्चन फॉर यू। बोले, प्लीज आस्क व्हाट यू वांट टू नो। बोले, आई हैव 1 क्वेश्चन, एवरीवन लिसनिंग द श्रीमद् भागवतम हियर, सबने कथा सुनी और विमान एक के लिए आया, क्यों?
दिस इज अ पार्शियल थी। वाह क्या गजब की अंग्रेजी आ रही है, हैं पंडित जी ये आपके बगल में बैठने का फल है। देखो ये पार्शियलिटी है। कथा सबने सुनी विमान एक के लिए क्यों? तब देवदूतों ने कहा नहीं प्रभु ये पार्शियलिटी नहीं है, दिस इज अ वेरी स्पेशल। बोले व्हाट स्पेशल? बोले यहां लिसनिंग जो हुआ है ना भागवत का, वो अलग अलग भावनाओं में हुआ है। किसी ने कहा कि मुझे ये मिल जाए, किसी ने कहा मुझे ये मिल जाए, किसी ने कहा मुझे मेरे ये चाहिए, लेकिन धुंधकारी को सिर्फ एक गोल था, मोक्ष मुक्ति। उसका और कोई गोल नहीं था। वो ये नहीं चाहता था कि मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मुझे ये नष्ट हो जाए, मुझे और कुछ मिल जाए, ना उसका गोल था मोक्ष। तो जिसने जिस भाव से कथा सुनी है उसकी वही भावना पूरी हुई है। मोक्ष की भावना से गुदंधकारी ने सुनी है तो इनकी मोक्ष हुई है। श्रीमद् भागवत कथा आपको वो दे देगी जो आप चाहते हैं। जिस भाव से आप कथा सुनेंगे आपको वही भावना पूरी कर देगी श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो धुंधकारी की मुक्ति करने वाला जो मर के प्रेत बन गया था, ऐसा ग्रंथ है भागवत, तो हमारा कल्याण नहीं करेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन कब? जब नियम से हम कथा सुने, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें, अगर ना संभव हो तो जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस पे गर्म कोई वस्त्र बिछा लें, ऊनी कंबल साल कुछ भी ऐसा बिछा लें जो ऊनी वस्त्र को पवित्र माना गया है ना, तो वो उसको आप जो एवरीडे यूज वाले चादर वादर हैं उनको थोड़ा साइड में करके कोई ऊनी वस्त्र उस पे आप बिछा लें। तीसरा, कथा प्रारंभ हो उससे पहले आ जाए और कथा पूरी हो जाए तो भागवत जी का प्रसाद लेके जाए। चौथा, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख न दें, 6-7 दिनों में गाली गुलौज मत करें, अब्यूज न बोले, गुस्सा भी न करें, शांत रहकर काम करें, अच्छा जो करना है करें और काम करके आप यहां आकर कथा सुने। अगर आप शेष 6 दिनों में आप जो भी कथा सुनेंगे, आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। और अगर आप कुछ नहीं चाहते हैं तो अंत में अनपथ्यो मोक्ष कामा, मैं ऐसे अपने आप से नहीं कह रहा हूं, ये श्लोक सुनिए आप भागवत का, दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम श्रणो याच कथाम्य माम। समझ में आ गई? आ गई समझ में? नहीं, हिंदी अनुवाद करूं? दरिद्रस्य क्षयरोगी, अगर दरिद्री व्यक्ति कथा सुनेगा तो धनवान हो जाएगा, क्षयरोगी रोगी व्यक्ति कथा सुनेगा तो रोग समाप्त हो जाएगा, निसंतानवान व्यक्ति अगर कथा सुनेगा तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी, लोभी व्यक्ति कथा सुनेगा तो धन प्राप्त होगा। जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए उसके लिए अनपथ्यो मोक्ष कामाम श्रणो याच कथाम्यमाम, उसकी मुक्ति हो जाएगी। किसकी? जिसे कुछ नहीं चाहिए भागवत सुनने के बाद।